हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। तो जी, मेरी तबीयत आजकल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। मैंने बताया था प्रेगनेंसी की वजह से मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं आती है। मैं प्रॉपर बेड रेस्ट पे रहने की वजह से ही मेरे ब्लॉग नहीं आ पा रहे हैं। क्लीनिंग वॉशिंग ब्लॉग बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। मैं ब्लॉगिंग कैसे करूँ? मैं बेड पे बिजी रहती हूँ, सोने भी, फिर खाने पीने ये सब भी होती है। मेरा कुछ वॉशरूम वगैरह जाना होता है तो वही जाती हूँ। सारा दिन बेड पे ही लिटी रहती हूँ। बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, बहुत ही टफ टाइम गुजर रहा है मेरा। मैं खुद अपनी लाइफ से बोर हो गई हूँ। धीरे सब प्रेगनेंसी का टाइम इंजॉय करते हैं और मैं यहाँ बोर हो गई हूँ, क्योंकि इंजॉय करने जैसे कुछ है नहीं। बेड पे लेटे रहना, बेड पे लेटे लेटे भी मैं थक गई हूँ, सब लेटा नहीं जाता। तो सोचता था जी बैठी हूँ तो ये कपड़े रखे थे मेरे जो कल धोए थे, हस्बैंड ने धोए थे, ये पड़े हुए बेड पे। सोचा अब इनकी तय बना देती हूँ फटाफट, तो चलते हैं। अभी सारे कपड़ों की तय बनाएंगे अच्छे से। कल धोए थे मेरे हस्बैंड ने मशीन में कपड़े, अब इनकी मैं तय बनाऊँगी। मुझे अब बेड पे लेटा नहीं जाता है, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए सब करना। सो गया है टीवी देखते देखते। आजकल आरू का भी ढंग से ध्यान नहीं रख पा रही, अपने ही नहीं ध्यान रखा जाता। मुझसे मेरा बीपी लो रहता है, चक्कर आते रहते हैं सारे दिन। तो थोड़ा टाइम पास के लिए घर में काम पड़ा रहता है, कब देखी बैठे बैठे। आप सब लोग मेरे लिए दुआ करें, मेरी तबीयत जल्दी से ठीक हो। मुझे बार बार प्रॉब्लम हो रही है, वैसे तो सब ठीक है पर मुझसे बैठ के नहीं लिटा जाता। मैं बहुत लंबा बेड रेस्ट हो गया मेरा, अब इतना लंबा टाइम पड़ा हुआ भी मैं ऐसे कैसे बेड रेस्ट पे रहूँगी इतने दिन तक। और इसीलिए मेरे ब्लॉग भी नहीं बन पाते, क्योंकि मेरी तबीयत ही ठीक है। आप लोग करेंगे मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ, मेरी तबीयत ठीक हो जाए। बहुत मुश्किल हो रहा है सब करना। वॉशरूम वगैरह जाना तो ही मैं उठती हूँ, सारे पड़े पड़े